तो गाइस अभी ना पेट्रोल फुल अप करवा रहे थे और एनएस में और बुलेट में, तो भाई लक्की का चैलेंज है कि भाई बुलेट इससे मतलब जी जाएगा। ड्रैग रेस करने वाले हैं भाई आज एनएस की और रॉयल एनफील्ड की, भाई 350 सीसी एंड 125 सीसी का जो ड्रैग रेस करेंगे। भाई लक्की ने बोला कि भाई ये वाली जो बुलेट है ये जीत जाएगी, और मेरे हिसाब से भाई स्पोर्ट्स बाइक ज़्यादा बेटर है। तो अभी भाई ये ड्रैग रेस करते हैं भाई, अभी हमने पेट्रोल फिलअप कराया, लोकेशन देख सकते हैं कुछ इस तरह की लोकेशन है। तो अभी हम खनेतर वाली साइड है, तो चल के भाई इन दोनों की ड्रैग रेस करते हैं और देखते हैं भाई कौन सी ज़्यादा पावरफुल है। बट पावरफुल में ज़्यादा मतलब पावर तो उसमें है, बट मतलब स्पोर्ट्स बाइक ज़्यादा बेटर है कि बुलेट ज़्यादा बेटर है, भाई वो देखेंगे। तो बाकी चलते हैं भाई आगे एंड दिखाते हैं भाई क्या सीन होने वाला है क्या नहीं। अब यहाँ से करेंगे एकदम से स्टार्ट, रेडी 1 2 स्टार्ट, चलो। ओ भाई अपनी तो भाग गई भाई, निकल निकल। ओहो भाई बुलेट रह गया पहले पीछे, उसका भाई टॉप एंड जो खतरनाक हो सकता है। बट स्टार्टिंग में भाई ये वाली बहुत पावरफुल है भाई, पीछे बुलेट साथ में। ओ शिट ब्रेक, ओ भाई साथ में चल रहा है साथ में। तो एक तो भाई इवनिंग का टाइम है भाई, मौसम से ना जो ओ शिट भाई ये मतलब मौसम खराब है, उस वजह से ना रोड में थोड़ी सी दिक्कत है भाई, पानी वगैरह गिरा हुआ है उस वजह से थोड़ी सी दिक्कत है भाई। बुलेट पीछे है भाई साथ में ही है, बट जो भी टॉप एंड में ज़्यादा रहेगी फिर उसको आगे करेंगे एंड फिर पीछे वाली जो फर्स्ट आएगी उसको पीछे से दौड़ाएंगे। तो अभी देखने वाले भाई आ रहा लक्की। ओहो ओहो भाई साहब, मैंने बोला था ना बुलेट का टॉप एंड बहुत तगड़ा, 93-94 पे भाई अपने आरपीएम मीटर दिखा रहा है। ओहो भाई बुलेट बहुत पावरफुल है भाई, भाई साहब बहुत पावरफुल है। कौन सी ज्यादा भागेगी भाई, 98 साथ में साथ में। ओ भाई साहब मोड़ आ गया, मैंने पीछे कर दिया उसको, अब ड्रैग रेस करेंगे अच्छे वाली 85 भाई, आरपीएम मीटर चल गया पीछे रह गया भाई, लोग अपनी फीस निकल चुकी है भाई आगे, और ये वाला ना हम आधे रास्ते तक करेंगे फिर उसके बाद। ओहो 84 83 89 बुलेट काफी पीछे है भाई, ये तो भाई रोड काफी खराब है और लीन अच्छे से नहीं हो रही है, अगर लीन करेंगे ना तो हमें दिक्कत आ सकती है भाई। ओहो और बुलेट भाई पीछे से आता हुआ खतरनाक तरीके से भाई। ओहो तो भाई लोग अपना बुलेट तो काफी पीछे रह चुका है, और आगे ना देखते हैं भाई, अब उसको थोड़ा सा आगे भेजेंगे और फिर इसको भगाएंगे भाई कि कौन सा ज्यादा पावरफुल होगा। तो मैंने नहीं सोचा था कि भाई बुलेट पीछे रहेगा, क्योंकि 350 सीसी का भाई बुलेट है और ये 125 सीसी का। तो देखते हैं भाई, अब यहाँ पे रुकते हैं और बुलेट का वेट करते हैं भाई। एंड भाई बुलेट कहाँ रह गया, अब उसका वेट करते हैं भाई। भाई लोग अभी बुलेट पहुंचने वाला है भाई, काफी ज्यादा पीछे रह चुका था तो ये पहुंच गया भाई बुलेट, और भाई फर्स्ट आ गई अपनी एमएस। अब इसको भाई आगे करेंगे तो उसको पीछे रखेंगे, फिर देखते हैं भाई कौन से वाला ज्यादा चलेगा। तो भाई लोग अभी ना अभी ना भाई लोग बुलेट को आगे करेंगे, इसके पीछे मतलब मैं कुछ 20 सेकंड के बाद ही निकलूंगा, सो फिर देखेंगे भाई क्या सीन होने वाला है क्या नहीं। बुलेट आगे जा रहा है, अब ना ये जैसे मोड़ मुड़ जाएगा तो फिर उसके बाद ना मैं अपनी एनएस निकालूंगा यहाँ से, तो फिर देखेंगे कौन सा अब फर्स्ट आता है।
पर पहले तो ये था, अब इसको पीछे रख के अब निकल गया। तो अब सेकंड राउंड शुरू हुआ भाई, सेकंड राउंड में देखेंगे कौन फर्स्ट आता है। तो भाई लोग काफी ज्यादा बुलेट आगे निकल चुका है और हम पीछे से जा रहे हैं भाई। ओ भाई वो आगे वाले मोड़ से निकला है, तो हम देखेंगे सेकंड राउंड में कौन सा जीतेगा, बिकॉज उसको हमने 20 सेकंड का मतलब फासला दिया था। ओ भाई बहुत खतरनाक तरीके से जा रहा वो, और एक रोड की वजह से ना हमें थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिल गई है भाई लोग। बाकी ठंड अगर बताऊँ ना बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है, बिकॉज हालत ख़राब है भाई, इस कदर ठंड है क्योंकि बारिश का मौसम आप अभी भी देख सकते हैं, बारिश का मौसम हो चुका है और ठंड ना बहुत ज़्यादा हो रही है। तो सेफ्टी के साथ ना भाई बाइक भी चलानी है, ये नहीं है कि हम बाइक को ऐसे ही भगाएंगे, बट हम सेफ्टी से करेंगे भाई, कोई भी ऐसा ट्राई नहीं करेगा। तो मतलब जिसने भी ऐसा ट्राई करना तो फुल सेफ्टी के और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के रख के भाई इसको करे। तो भाई बुलेट जा रहा आगे आगे और हम भी पीछे हैं भाई। देखो भाई बुलेट जा रहा है सामने हो गया भाई, अब देखेंगे टॉप एंड किसका ज्यादा बेटर रहता है। ओह शिट, तो भाई बुलेट और एनएस का भाई ये बीच वाला फासला रह चुका है, बिकॉज थोड़े से मोड़ है एंड उस वजह से हमारी बाइक थोड़ी सी मतलब अनकंट्रोल हो जाती है। और बाकी आपके सामने बुलेट जा रहा भाई, अब इसको भाई बुलेट बहुत पावरफुल है, ये ना हो गया भाई सेकंड राउंड में भाई मेरी वाली हार जाए, बस ऐसा भी हो सकता है, बट हम कोशिश करेंगे भाई इससे आगे निकलने की, बिकॉज उसमें ना बहुत ज़्यादा पावर है भाई। लोग थोड़ा सा आगे हो चुके हैं अब, ओह शिट, अबे पीछे कर यार, यहाँ पे ड्रैग रेस चल रही है। अभी मैं मतलब थोड़ा सा आगे हो चुका हूँ बुलेट से एंड बुलेट ओवरटेक कर गया भाई, फिर से आपका भाई फिर पीछे रह गया भाई। लोग एक कमेंट करो कौन सी वाली ज्यादा पावरफुल है। अभी मैं 77-74 पे चल रहा हूँ और बुलेट आगे चल रहा है, मैंने इसको क्रॉस किया था बट थोड़ी सी फिर से दिक्कत आ गई। तो भाई वो बुलेट क्या लीन होता है भाई, और आपका भाई भी भाई कुछ कम नहीं है, हम भी मस्त वाला लीन करेंगे, बस इसको एक बार भाई फिर से हराना है। ओ शिट, अरे भाई पीछे आगे गाड़ी भाई, भाई फुल थ्रॉटल है भाई, देख सकते हो मैं आगे निकलने वाला हूँ, निकल निकल निकल। ओ भाई निकल चुका हूँ आगे, एक बार फिर बुलेट भाई लीड करता हुआ निकल चुका है आगे। ओ हो क्या मस्त लीन करते हैं भाई लग्गी, देखो भाई देखो सलेंसर नीचे लग रहा है भाई। ओ हो नो भाई लोग, ओए क्या कर रहा है यार, ब्रेक है मत मार। भाई लोग दोनों साथ चलती हुई भाई एक फुल थ्रॉटल के साथ, ओहो भाई अपनी पीछे रह गई, आरपीएम मीटर देखो भाई ऑन हो चुका है। ओहो अरे भाई भाई लोग भाई इस बार ये ना होगे भाई अपनी पीछे रह जाए, मुझे लग रहा है ऐसे। भाई स्पोर्ट्स बाइक का ये सबसे अच्छा है कि वो लीन करते हो ना भाई कोई भी दिक्कत नहीं देती है, बट एनएस 125 थोड़ा सा दिक्कत देती है, बिकॉज इसके टायर छोटे हैं, बट और मतलब जैसे रॉयल एनफील्ड है या इसकी कुछ बाइकें हैं वो ज़्यादा पावरफुल नहीं है, मतलब लीन अच्छे से नहीं होती है। पर स्पोर्ट्स बाइक का ये सबसे मुझे चीज़ अच्छी लगती है कि भाई स्पोर्ट्स बाइक लीन अच्छी होती है। और भाई लक्की पीछे से ओवरटेक कर रहा है, फिर से आ गया भाई, फाइनल राउंड खत्म होने वाला है। तो
अब मेरे हिसाब से लक्की जीतेगा भाई। ओ नो, ओ शिट भाई, मौसम की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है मुझे। ओ शिट, बिल्कुल क्लोज आ गया भाई मेरे। हमें अपनी सेफ्टी के साथ भी चलना भाई लोग, ये नहीं है कि हम ऐसे रैश ड्राइविंग करेंगे। ओ तो भाई फाइनल राउंड यहाँ पे ख़त्म करते हैं भाई। बुलेट आ गया सेकंड नंबर, फर्स्ट आ गया अपनी एनएस और फाइनल आ गया भाई बुलेट। तो ये रहा जैसे कि भाई बुलेट जो सेकंड नंबर में आ चुका है और अपनी बीस अब हार चुकी है भाई इस लॉग, क्योंकि वो बाइक ना थोड़ी ज़्यादा पावरफुल है तो उस वजह से हमें थोड़ी सी दिक्कत हुई। तो बाकी मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट मस्ती वीडियो में। तो वीडियो कैसी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करके बताना। तो मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट मस्ती वीडियो में। थोड़ा सा बाइक को साइड कर देते हैं एंड फिर देखते हैं भाई। तो गाइस मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट मस्ती वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून। तो बाकी अगर और किसी ने ड्रैग रेस देखनी है भाई तो हमें कमेंट कर देना कि कौन किस किस बाइक की हमें ड्रैग रेस करनी चाहिए, तो कमेंट करना, तो वो भी दिखाएंगे आपको। तो गुड बाय, सी यू सून।